सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ पुनः संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चूँकि जो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लाता हूँ ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए होते हैं, और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि जो पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यही क्वेश्चन रिपीट है और कई बार पूछा जा चुका है। चूँकि परीक्षाएँ अलग अलग हैं लेकिन उनमें ये रिपीट हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपको अलग भी मिलेंगे और कुछ रिपीट भी मिलेंगे, लेकिन आपका अभ्यास बढ़ेगा तो अपन ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। और आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें जिससे उनके पास भी पहुंच जाए। और पिछली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग देखें लगभग 80-85 वीडियो तक अपलोड हो चुके हैं, तो आप वो देखें, बहुत अच्छा अभ्यास होगा आपका। और बहुत सारी परीक्षाओं का मैटर वहाँ पर दिया हुआ है, चूँकि परीक्षाओं में 15 नंबर की ही पेडागोजी पूछी जाती है, तो जितनी भी परीक्षाएँ पहली हुई हैं लगभग तो सभी परीक्षाओं के पेपर मैं वहाँ लगवा चुका हूँ। बहुत ही कम परीक्षाएं ऐसी हैं जो बची होंगी, लगभग लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप लोग वो देखें जिससे आपका अभ्यास बहुत बढ़िया बने। और आप लोग को कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें और वहाँ पर आप SMS से कुछ पूछ सकते हैं, वहाँ एक्टिव रहता हूँ। और PDF वगैरह जो भी आपको डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से डाउनलोड करें। चलिए, भाषा शिक्षण से सोपानानि सन्ति। भाषा शिक्षण से मतलब भाषा शिक्षण के, सोपानानि मतलब सोपान, संति मतलब हैं, तो भाषा शिक्षण के सोपान हैं कितने हैं? पंच, षट, चत्वारह या फिर त्रयः। पंच मतलब पाँच, षट मतलब छः, चत्वारह मतलब चार, त्रयः मतलब तीन। कितने हैं? तो चार, सभी लोगों को पता है LSR और W, जो कि संस्कृत में यदि अपन बोलेंगे तो श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। और इन सभी की विशेषताएँ आप लोगों को याद करना है। श्रवण की क्या विशेषता है? सुनना, लेकिन कैसे सुनना, कि सुनने के बाद में समझ में भी आना चाहिए ऐसा। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो भी अपलोड है, तो वो भी आप लोग देख लें। आगे, अधोलिखितेषु वाक्येषु मौखिक उपागमस्य महत्वम किम नास्ति। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अधोलिखितेषु, अधा मतलब होता है नीचे और लिखितेषु मतलब लिखे हुए में, तो नीचे लिखे हुए वाक्यों में, वाक्येषु वाक्यों में मौखिक उपागमस्य, मौखिक उपागम का महत्वम नास्ति, महत्व नहीं है। तो नीचे दिए गए वाक्यों में मौखिक उपागम का महत्व क्या नहीं है? पहला, अनेन शब्द भंडारस्य संग्रहणे सौविध्यम भवति, मतलब कि इसके द्वारा शब्द भंडार को संग्रहण करने में सौविध्यम भवति मतलब सुविधा होती है। आगे, संस्कृत अवगमनस्य गति अवरोधः भवति, मतलब कि संस्कृत, मतलब संस्कृत अवगमन मतलब होता है सीखना, तो संस्कृत के अवगमन की गति में अवरोध होता है, मतलब कि संस्कृत के सीखने में अवरोध उत्पन्न होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो अभी वर्ग 2 में संस्कृत पेडागोजी आनी थी तो उसके लिए भी पेडागोजी बहुत सारी तैयार की थी, लेकिन चूँकि मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा लगाए हैं और विषय तो बहुत कम पढ़ने को मिलता है, तो विषय तो यही जो शिक्षण विधियाँ हैं ये पढ़ी थी बस, लेकिन हाँ इसके अलावा क्वेश्चंस बहुत सारे लगाए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग क्वेश्चंस ज़्यादा लगाएं, क्योंकि आपकी जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है यहाँ पर पेडागोजी से संबंधित ज़्यादा पोर्शन पूछा जाना है। ये कहें कि सीधा सीधा आधा पेपर जो है 75 नंबर का वो पूरा पेडागोजी का है, तो यदि आप पेडागोजी पर ज़्यादा जोर देंगे तो फिर कुछ होने की संभावना है। और सिलेक्शन के लिए आप लोगों को पता ही है कि 120 प्लस मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ, क्योंकि अभी जब वर्ग 1 का देखें आप और इतना ज़्यादा वो है, तो फिर यहाँ तो और ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो क्या कह रहे हैं, अधोलिखितेषु वाक्येषु मौखिक उपागमस्य महत्वम नास्ति, तो सेकंड वाला गलत मिल गया अपन को, नास्ति मतलब नहीं, नेगेटिव ढूंढना है। अनेन संस्कृत शब्दावली नाम अभ्यासः शीघ्रतया भवति, बिल्कुल ठीक है, अनेन मतलब होता है इसके द्वारा, संस्कृत शब्दावली ना मतलब संस्कृत शब्दावली का, अभ्यास मतलब अभ्यास, शीघ्रतया भवति शीघ्रतया होता है, तो ये तो ठीक है। एते सर्वे, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि अपन को नास्ति वाला ढूंढना है, और दो तो यहाँ सही मिल गए, तो ये वाला अपना सही रहेगा, संस्कृत अवगमनस्य गति अवरोधः भवति, मतलब कि संस्कृत के सीखने में गति अवरोध होता है, रुकता है सीखना, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे, और सही उत्तर भी अपना वही है क्योंकि अपन को नेगेटिव ढूंढना था। कस्मिन शिक्षणे गहनाध्ययनार्थम
मननार्थम च मौन वाचनम भवति। क्या कह रहे हैं ये, तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को यदि यही क्वेश्चन हिंदी में पूछ लिया जाए तो आप लोग जल्दी बता देंगे, लेकिन संस्कृत में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा पहले। तो आप समझेंगे कैसे, तो बहुत सारे प्रश्नों का जब आप अभ्यास कर लेंगे, 600-700 प्रश्न लगा लेंगे, तो फिर लगने लगेगा कि हाँ इस प्रश्न में ऐसा पूछा है और इस प्रश्न को ऐसे समझना है। तो भी आप लोग अभ्यास करें। दिया हुआ है कस्मिन शिक्षणे गहनाध्यनार्थम मननार्थम च मौन वाचनम भवति, मतलब कि किस शिक्षण में गहन अध्ययन के लिए, गहन अध्ययनार्थम गहन अध्ययन के लिए, और मननार्थम च मनन के लिए, च मतलब होता है और, जो कि च अपन को कहाँ पर लगाना है, इसके आगे यहाँ, च मतलब और फिर से दिया है, तो गहन अध्ययन के लिए मनन और मौन वाचन होता है। किस शिक्षण में गहन अध्ययन करने के लिए मनन और मौन वाचन होता है, तो क्या व्याकरण शिक्षण में होता है, गद्य शिक्षण में होता है, गद्य गद्य शिक्षण में, पद्य पद्य शिक्षण में, या जो पद्य गद्य लिखा हुआ है ना, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है जिसमें क्या होगा, जिसका अर्थ निकलेगा पद्य में, नाटके नाटक में, गद्य गद्य में, व्याकरण व्याकरण में, या फिर पद्य पद्य में। तो क्या रहेगा सही उत्तर, होगा सही गद्य गद्य शिक्षण में। आगे दिया हुआ है निदानात्मक परीक्षणम, निदानात्मक परीक्षणम भवितुम शक्नोति, तो निदानात्मक परीक्षण हो सकता है, कैसा हो सकता है, देखो परीक्षण दो बार लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, निदानात्मक परीक्षण हो सकता है, कैसा हो सकता है, शक्नोति मतलब हो सकता है, भवितुम मतलब होना, भवित मतलब भी होना ही होता है, और इसका मतलब सकना अपन समझ सकते हैं वैसी भाषा में, तो हो सकता है, तो निदानात्मक परीक्षण हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो ये शाब्दिक हो सकता है क्या, हाँ शाब्दिक भी हो सकता है, बिल्कुल निदानात्मक परीक्षण शाब्दिक हो सकता है। अशाब्दिक हो सकता है क्या, हाँ, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण के तुरंत बाद उपचारात्मक परीक्षण होता है, तो ये दोनों प्रकार से हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। आगे प्रक्षेपित परीक्षण परीक्षणाम, तो प्रक्षेपित परीक्षणम भी हो सकता है, प्रक्षेपित परीक्षण भी हो सकता है। आगे क्या कहा, सर्वे, तो बिल्कुल ठीक है, तीनों हो सकते हैं, तो ये सभी जो है ये रहेगा इसका सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है अधोलिखितेषु प्रक्षेपण यंत्रम अस्ति, कि नीचे दिए गए में प्रक्षेपण यंत्र है, तो नीचे दिए गए में प्रक्षेपण यंत्र क्या है, उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका, उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका है। आगे भाषा पंजिका, भाषा पंजिका है। वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्रम, वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्र है। या फिर संग्रहालयम, संग्रहालय है। तो निम्नलिखितेषु प्रक्षेपण यंत्र क्या है, उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका जो दिया हुआ है ये है। आगे चलते हैं छात्रेषु भाव ग्रहण परीक्षणार्थम केंद्रीय भावाधारित प्रश्नाः कुत्र भवन्ति। क्या कह रहे हैं, छात्रेषु छात्रों में भाव ग्रहण परीक्षणार्थम, भाव ग्रहण परीक्षण के लिए केंद्रीय भाव आधारित प्रश्नाः, केंद्रीय भाव पर आधारित प्रश्न कुत्र भवन्ति, कहाँ पर होते हैं। क्या कह रहे हैं, छात्रों में भाव ग्रहण परीक्षण के लिए केंद्रीय भाव पर आधारित प्रश्न कहाँ होते हैं, तो गद्य गद्य में होते हैं, पद्य पद्य में होते हैं, नाटके नाटक में होते हैं, या फिर व्याकरण व्याकरण में होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो कहाँ पर होते हैं, केंद्रीय भाव को ग्रहण कहाँ पर किया जाता है, तो सही उत्तर क्या रहेगा, पद्य पद्य शिक्षण में होते हैं। छात्रेषु भाव ग्रहण परीक्षणार्थम केंद्रीय भाव आधारित प्रश्नाः कुत्र भवन्ति, तो केंद्रीय भाव पर आधारित प्रश्न भाव ग्रहण करने के लिए जो है वो कहाँ होते हैं, पद्य शिक्षण में होते हैं। आगे भवतः मते प्रायः शिक्षायाः कस्य क्षेत्रस्य समस्या सर्वतो महत्वपूर्णा। क्या कह रहे हैं कि भवतः मते, आपके मत में, भवतः मतलब होता है आप, मते मतलब मत में, मैंने बोला था मते, तो ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन एक मात्रा है ना, यहाँ ये अपन समझ जाना सप्तमी विभक्ति है इसमें। भवतः मते आपके मत में प्रायः प्रायः रूप से शिक्षायाः कस्य क्षेत्रस्य, शिक्षा के किस क्षेत्र में समस्या सर्वतो महत्वपूर्णा, शिक्षा के क्षेत्र में समस्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वह कौन सा शिक्षा का क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा, क्या कह रहे हैं, भवतः मते प्रायः शिक्षायाः समस्या,
तो शिक्षा यह कस क्षेत्र से समस्या सर्वतो महत्वपूर्ण, ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि आपके मत में प्रायः शिक्षा के लिए किस क्षेत्र में समस्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कह रहे हैं। ऑप्शन पहला दिया है माध्यमिक क्षेत्र से, माध्यमिक क्षेत्र में, उच्च शिक्षा यह क्षेत्र से, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर तकनीक क्षेत्र से, तकनीक के क्षेत्र में। तो सही क्या रहेगा, प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे, शिक्षकाय लेखन कार्य अपेक्षिता भवति। शिक्षकाय मतलब कि शिक्षक के लिए लेखन कार्य में अपेक्षिता भवति, अपेक्षित है, क्या अपेक्षित है शिक्षक के लिए लेखन कार्य में। ऑप्शन दिया हुआ है हलंतादि नाम प्रयोगा नाम वर्तनीगत शुद्धता। तो ऑप्शन पहला है जिसमें क्या रहेगा, हलंतादि नाम मतलब हलंत आदि की, आगे प्रयोगा नाम हलंत आदि का प्रयोग और वर्तनीगत शुद्धता। तो हलंत आदि का प्रयोग ठीक हो और वर्तनीगत शुद्धता ठीक हो, यह अपेक्षित है। या फिर अनुस्वार वर्तनीगत शुद्धता, तो अनुस्वार की जो वर्तनीगत है, या अनुस्वार अपन ने लगाया कहीं भी, तो वर्तनीगत इनकी जो शुद्धता है वो देखना है। आगे क्या कह रहे हैं, विसर्ग वर्तनीगत शुद्धता, तो विसर्गों की वर्तनीगत शुद्धता, अपन ने विसर्ग लगाया तो इसकी भी वर्तनीगत शुद्धता देखना है। उपर्युक्तेषु सर्वे, तो उपर्युक्त सभी रहेगा सही, क्योंकि लेखन कार्य में ये सभी अपेक्षित हैं। आगे, क्रियात्मक पक्षस्य मूल्यांकनम भवति। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। देखिए एक चीज और आपको बता दूं कि आप लोग सिक्स से लेकर के और ट्वेल्थ तक की संस्कृत की बुक्स पढ़ें, क्योंकि मैं एक सीरीज लाने वाला हूं और जिसमें ऐसा करूंगा कि डायरेक्ट अभ्यास ही करा दूंगा। जैसे कक्षा छठवीं हुई, तो कक्षा छठवीं में जो भी संधि पूछी है, समास पूछे हैं, प्रत्यय पूछे हैं, उपसर्ग पूछे हैं, वो सारे के सारे, और मुझे पता है कि उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई लोग बोलेंगे कि वहाँ से नहीं आएगा क्योंकि वहाँ से वर्ग दो में आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संस्कृत जो है, संस्कृत कहाँ पर पूछी गई है, सिक्स से स्टार्ट है, तो फिर सिक्स की क्लास का उसमें आएगा और सेवन्थ क्लास का भी आएगा और एट क्लास का भी आएगा, तो अपन को वो पढ़ना है। और मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको ये जो कुछ सीरीज चल रही हैं, तो इनके साथ साथ रोज एक या दो वीडियो में तो वो भी करने की कोशिश कराऊँ, जिससे कि आपका थोड़ा सा अभ्यास और बढ़िया बने। मतलब एक बार मैं ये समझता हूँ, कोई भी चीज़ अपन पढ़ें तो वो अपनी आँखों के सामने से निकल जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ जब अपन बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि दिमाग कहाँ कहाँ घूम रहा है। मतलब जब पेपर देने बैठते हैं, तो आपने कभी भी, चाहे एक साल पहले पढ़ी हो चीज़, चाहे दो साल पहले पढ़ी हो, तीन साल पहले पढ़ी हो, वो चीज़ आपके दिमाग में वहाँ आ जाएगी, इतना ज़्यादा तेज चलता है वहाँ दिमाग। तो आपके आंखों के सामने से निकल जाए क्वेश्चन या फिर जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जो अब वर्ग तीन की तैयारी कर रहे हैं, तो नॉर्मल तैयारी नहीं है, बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं लोग, और जो पता चलता है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की तैयारी थोड़ी है उनकी, सात सात साल से तैयारी कर रहे हैं जिनकी DL.ED है, तो आप लोग समझते होंगे कि उनकी तैयारी कितनी ना होगी। उन्होंने सिक्स से लेकर एट्थ तक की बुकें कई बार पढ़ ली होंगी, तो एक बार मैं भी आप लोगों को यहाँ पर वो बुक्स अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका अभ्यास बढ़िया बने। चलिए, तो यहाँ क्या रहेगा सही, क्रियात्मक पक्ष से मूल्यांकनम भवति। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है, कैसा होता है क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन, तो ये प्रायोगिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा जो है ये सही रहेगा उत्तर। आगे चलते हैं, पठन कौशल से विधिरस्ति। पठन कौशल की विधि है, क्या है पठन कौशल की विधि, ध्वनि साम्य विधि, अक्षर बोध विधि, संगति विधि, या फिर सर्वे। तो देखिए यहाँ पर पठन कौशल की विधियाँ पूछी हैं, ध्यान रखना आप लोग, और पठन कौशल की ये वीडियो सारे अपने चैनल पर अपलोड हैं, पठन कौशल की विधि, लेखन कौशल की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ क्या रहेगा सही, पठन कौशल की विधि, देखिए ध्वनि साम्य विधि तो है, अक्षर बोध विधि भी है और संगति विधि भी है, तो एते सर्वे रहेगा सही। आगे, उच्चारण संबद्धानाम अशुद्धि नाम कारणमस्ति। मतलब कि उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का कारण क्या है, ये बताना है।
तो उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का कारण क्या होगा? अज्ञानता बिल्कुल ठीक है, भावातिरेक बिल्कुल ठीक है, प्रयत्न लाघव ये भी ठीक है। तो एते सर्वे जो ये सभी हैं, ये सभी उच्चारण संबंधित अशुद्धियों के कारण हैं। आगे दिया हुआ है दृश्य श्रव्योपकरणानाम महत्वम वर्तते, मतलब कि दृश्य और श्रव्य उपकरण जो हैं उनका महत्व क्या है, आप लोग समझते ही होंगे दृश्य और श्रव्य उपकरण। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि दृढ़ चिरस्थायी च ज्ञानम, मतलब कि दृढ़ और चिरस्थायी ज्ञान होता है, ये जो चा है यहाँ लगाना है दृढ़ के बाद। आगे पाठ्यवस्तु रोचक सार्थक च जातम, मतलब कि जो पाठ्य वस्तु है वो रोचक होती है, रुचिकर होती है और सार्थक होती है, जाता मतलब होती है लगा लें। छात्राः सक्रियाः भवन्ति, छात्र सक्रिय होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उपर्युक्त सर्वे ये होगा सही उत्तर। आप लोग सोच रहे हो कि लगातार तीन क्वेश्चन तो सर्वे वाले आ गए लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कभी कभी। और एक चीज़ और ध्यान रखें, कभी कभी सर्वे वाला जो दिया हुआ होता है ना ऑप्शन, वो भी कभी सही नहीं होता, क्योंकि एक बार मेरे से गलती हो गई। अभी वर्ग एक में एक क्वेश्चन था सर्वे वाला, तो मैंने सोचा कि ये जब दो क्वेश्चन मतलब कि दो उसमें ठीक थे, एक गलत था मेरे। आपको पता होगा मेरे आए थे संस्कृत में 100 में से 97 नंबर आए थे मेरे अभी वर्ग एक में। तो एक क्वेश्चन मेरा जो गलत हुआ वो ऐसे ही हुआ था कि उसमें चार थे, तो मैंने सोचा चलें बढ़िया है ये, देखा वहाँ ये भी ठीक है, इसमें ये भी ठीक है। अब ये जो था ये इस प्रकार से यहाँ मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन गलत था वो। अब लेकिन मुझे लगा कि जब ये दोनों हैं तो ये तीसरा भी होगा, तो लग तो रहा था मन में कि ये जो तीसरा वाला है ये गलत है, लेकिन वहाँ जब लगता है कि क्या पता माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो मैंने फिर ये डायरेक्ट लगा दिया सर्वे एक बार, तो वहाँ ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना है कि जब बिल्कुल आप कन्फर्म हो जाएँ कि हाँ सर्वे ठीक है तो ही आप सर्वे लगाएं, क्योंकि इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। चलते हैं, क्या दिया है, वाचन शिक्षण से विधि नास्ती, वाचन शिक्षण की विधि क्या नहीं है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देखें वाचन शिक्षण की विधियों के बारे में बताया है। पहला दिया है व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान विधि क्या वाचन शिक्षण की विधि है। दूसरा दिया है समवेत पाठ विधि, तो ये तो है, ध्वनि साम्य विधि ये भी है और अनुध्वनि विधि ये भी है, लेकिन ये वाचन शिक्षण की विधि व्याख्यान विधि नहीं है। आगे लिखित रचना शिक्षण से विधिरस्ति, मतलब कि लिखित रचना शिक्षण की विधि है, क्या है लिखित रचना शिक्षण की विधि। ऑप्शन पहला दिया हुआ है उद्बोधन विधि, बिल्कुल है, चित्र विधि ये भी है, अनुकरण विधि करके सीखना, मतलब अनुकरण करके सीखना, तो ये भी है, तो सर्वे ये हो जाएगा सही। तो ये आज के लिए इतने ही प्रश्न रहने देते हैं, लगभग 14-15 प्रश्न थे और जितने प्रश्न उनमें पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में वो लाने की कोशिश कर रहा हूं। और आप लोग इसी प्रकार से तैयारी में लगे रहें, जितना भी टाइम मिलता है उतना टाइम अपनी तैयारी को दें, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होना है। और इस बार तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चूँकि अभी डेट तो दी है, लेकिन हाँ उसमें पेपर होते हैं कि नहीं वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हाँ तैयारी आप लोग बराबर करें, किसी की बातों में ना आए। जैसे कि पिछले बार हुआ था वर्ग एक और दो में डेट थोड़ी सी रुक गई थी, लेकिन पेपर बाद में हुए थे, तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखें। और मेरी यही, मैं तो हमेशा यही सोचता हूं कि जो अच्छी तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन होना तो किसी एक का दो का या फिर ये कहें कि 20,000 का ही है, तो जो अच्छी तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा। मेरी भावनाएँ आप सब लोगों के साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।